राधे ब्रह्म जिनके दो रूप वेदों ने बताए सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद एक एक वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च बृहदारण्यकोपनिषद 2-3-1 अनंत रूप है। दो तो मैंने ऐसे बता दिए, एकोपिशन जो बहुधा विभात बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम भागवत 10:47 अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे 8-3-9 भागवत अनंत रूप है। मैंने कहा न, उनकी सब चीजें अनंत हैं। अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे वे ब्रह्म कुछ करते हैं, कुछ करना नहीं चाहिए। क्यों? नास्ति कर्तव्यम अस्ति चेत् न स तत्त्ववित्। ये तो जो अधूरा होता है, अल्पज्ञ हो, अल्प शक्ति हो, वो कुछ करता है परिपूर्ण होने के लिए, और जो परिपूर्ण है वो कुछ क्यों करे? अगर करेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, और हम मनुष्य बुद्धि वाले कहेंगे ये परिपूर्ण नहीं है, क्यों कि कर रहा है कुछ। आँख खोला क्यों क्वेश्चन होगा, आप तो परिपूर्ण है। अरे भगवान को छोड़ दो, जो भगवान को पा लेते हैं, यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। महापुरुष का ही कुछ कार्य नहीं रहता, वो तो कृत कृत्य है। कृत्य माने करना, और कृत माने कर चुका। अब कुछ नहीं करेगा, परिपूर्ण हो गया। जब घड़े को हमने समुद्र में कुएं में डुबोया, खाली घड़े को तो बोला भक 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 भक, क्यों बोला? भरने के लिए। जब भर गया, हम डुबोए रहे हजारों साल, वो बोले ही नहीं, अब नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान के बारे में वो जो सगुण साकार भगवान है, जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं आज, श्री कृष्ण कौन है, जरा उसका हाल सुनो। सदाई नई बरे में आप हंसेंगे। तस्मा दे काकी नरमते सद्वितीय मैच्छत
सा इमिमेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम्। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। वो अकेला था महाप्रलय में, वो अकेला था भगवान सगुण साकार श्री कृष्ण, कोई नहीं था ना, कोई नहीं, अकेला। फिर मन नहीं लगा, न रमते। क्या बोल रहे हैं आप, जरा होश में बोलिए। अरे होश में है भाई, वेद मंत्र बोल रहे हैं। अरे उसका मन नहीं लगा, उसके तो मन ही नहीं है। अप्राणो यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। 2:1-2 मुंडकोपनिषद। तो इंद्रिय मन बुद्धि से रहित है, सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम। 3:17 श्वेताश्वतरोपनिषद। और गीता में भी है ये, सर्वे इंद्रिय विवर्जितम। 13:14 उसको जरूरत क्या है इंद्रिय की, वो बिना इंद्रिय के भी है। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सश्रुणोत्य कर्ण। लेकिन सगुण साकार जब बना तो बनने के बाद सब आ गए। अब शरीर भी हो गया, मन भी हो गया, इंद्रियां भी हो गई, बुद्धि भी हो गई। अच्छा चलो मान लेते हैं हो गई, तो फिर मन हो गया ना। हाँ, तो फिर उसका मन नहीं लगा, फिर वही बात। अरे भाई मन हो तो गया उसका, लेकिन नहीं लगा, आप क्यों बोलते हैं बार बार, वो तो परिपूर्ण है। तो हमारे संसार वाले जब अकेले रहते हैं घर में, बीबी चली गई, मायके, बच्चे चले गए हिमालय, और घर में कोई नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं, 50 कमरे की कोठी है, जिधर जाए उधर कोई नहीं, तो कहता है वो आदमी, अरे ये कोठी हमें खा लेगी। खा लेगी? अरे तुमने 50 करोड़ की कोठी बनाई वो खाने के लिए? अरे नहीं लगता, मन कोई है ही नहीं। अरे चलो नौकरों को बुला लो। तो भगवान का तो नौकर भी नहीं था, किसको बुलाते? अच्छा मैम साहब को बुला लो, लक्ष्मी को, वो भी नहीं। महाप्रलय में तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसा करें कि एक नकली स्त्री बना लें। नकली स्त्री? हाँ, क्या मतलब? हम ही स्त्री बन जाएं। आत्मानं द्वेधा पातयत्। अपने को दो बना लिया, एक स्त्री और एक मैं। अब दोनों प्यार की बात करेंगे, कहो भाई क्या हाल है तुम्हारा। अरे भला कोई अपने आप को स्त्री बना के क्या सुख पाएगा? अरे भाई दो होते हैं तब तो दो की भावना होती है। अरे तो अब क्या करें, और कोई है ही नहीं। तब भी काम नहीं बना, दो हो गए तब भी काम नहीं बना। उन्होंने कहा, अरे याद आया, क्या कुछ मेमोरी भी गड़बड़ है। अरे हमारे अंदर जो अनंत जीव
पड़े हैं, खास तौर से मायाधीन विभिन्नांश, वे बिचारे कुछ कर तो सकते नहीं मेरे अंदर। महाप्रलय के बाद ना स्थूल शरीर रहता है ना सूक्ष्म शरीर रहता है, केवल संस्कार रहते हैं, वो कुछ कर नहीं सकता हो तो इनको बाहर निकाले। और फिर ये अपना कल्याण करें, इनके कल्याण के लिए मार्ग कौन बताएगा? वो अंदर वेद भी है हमारे, वो निकलेंगे तो वो वेद बताएंगे इनको मार्ग। हाँ हाँ ठीक है, लो शुरू हो गया, कारखाना चालू हो गया। लेकिन क्यों? ध्यान दो, मुख्यं तस्य हि कारुण्यम, दया के कारण। भगवान में एक बहुत बड़ा गुण है, कृपा, दया। संसार में वो किसी के पास नहीं है। जो भगवान को पा लेता है उसको वो दया मिल जाती है, और किसी को नहीं मिल सकती। और तो जो दया का ढोंग करते हैं हम लोग, इसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। अरे 50 कंबल बांटा अखबारों में, दे दो भाई, तुम दे दो भाई, बड़े आदमी है, उनकी बात कौन काटे अखबार वाला। सब ने दे दिया, मंत्री जी ने आज कंबल बांटा। अरे मंत्री जी बड़े दानी है जी। और अगर कोई वास्तविक निरपेक्ष भावना से भी दान करता है, हम भाई मंदिर बनवा रहे हैं, हम धर्मशाला बनवा रहे हैं, कोई इनकम नहीं करेंगे उससे, चलो मान लिया ऐसा कोई है भी, तो वो इसलिए कर रहा है कि मरने के बाद वो हमको और देंगे, परपति बना देंगे। और अगर कोई और बड़ा ज्ञानी है, निष्काम प्रेम पाने की कामना से करता है, तो उसकी भी तो एक कामना हुई ना, भगवत कृपा मिल जाएगी, भगवत दर्शन मिल जाएगा, भगवान की सेवा मिल जाएगी। तो ये सब दया वाले स्वार्थी हैं, वो चाहे मटेरियल स्वार्थ हो चाहे स्पिरिचुअल। लेकिन भगवान जो दया कर रहे हैं, उनको किसी से क्या मिलना जुलना है? गोबर गणेश संसार से खाली लेबर है उनको। हमारे संसार में क्या क्या बिकता है अब उन्होंने प्रकट किया। ध्यान दो, पहला काम भगवान का, श्री कृष्ण का, यतो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। ब्रह्म श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ब्रह्म है, ये भी लिखा है उपनिषदों ने। हाँ, कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इति।
के अभिधीयते गोपाल तापनी उपनिषद का पहला मंत्र। प्रश्न किया कः परमो देव, कः परमो देव, वो अंतिम सुप्रीम पावर कौन है? गोपाल तापनीय उपनिषद का दूसरा मंत्र। उत्तर दिया कृष्णो हवै परमं दैवतम्, गोविंदान मृत्युर्विभेद गोपी जन वल्लभ ज्ञानेन अखिलं तज्ज्ञातं भवति। वो श्री कृष्ण ब्रह्म है, तभी तो उन्होंने मन बनाया, शरीर बनाया और सोचा कुछ। ये जो संसार बनाया, इसमें कुछ बनाया नहीं, अंदर जैसा था वैसे ही प्रकट कर दिया। सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, नारायण उपनिषद 5:7, ससर्जेदम सपूर्ववत भागवत 2:9:38, जैसा पहले था वैसे ही। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मै अनुशेर तेरे, Shri 3:9:43 भागवत। जैसा पहले संसार था प्रलय के पहले, वैसे ही प्रकट कर दिया। कोई नई चीज नहीं बनाई। और जो कहते हैं कि जन्म मरण नहीं होता, उनको तो जवाब देना पड़ेगा, क्यों जी? अगर जन्म मरण नहीं होता, पूर्व जन्म नहीं है, तो फिर जब भगवान ने संसार बनाया, तुम्हारे भगवान ने, तो फिर किसी को पुरुष, किसी को स्त्री, किसी को गधा, किसी को कुत्ता, किसी को पेड़, ये क्यों बनाया? क्या बिगाड़ा था और लोगों ने? एक को अरबपति, एक को भिखमंगा, एक को सुंदर, एक को घोर कुरूप। कोई जवाब नहीं। अगर आप कहें उनकी इच्छा, अरे उनकी इच्छा ऐसे तो क्या वो खपती है तुम्हारे भगवान? ऐसे कैसे इच्छा भाई, वो तो दयालु है। हर ग्रंथ कहता है, कुरान शरीफ बाइबल, वो रहीम है, करीम है, दयालु है। अरे उनके समान कौन दयालु होगा? क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो परिपूर्ण है। तो पूर्व के समान प्रकट किया। फिर कहता है वेद, सो कामयत बहुत श्याम प्रजा ये थी, सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा, उसने कामना की। इसका मतलब सृष्टि के पहले वो सगुण साकार ही था, तभी तो कामना की। हाँ, श्री कृष्ण थे, उन्होंने कामना की। बहुत श्याम प्रजा ये थी, बहुत सारा संसार होना चाहिए, अकेले हैं, कुछ काम करना चाहिए, फालतू बैठे हैं। तो सा तपो तप्यत, तपश्चर्या किया,
फिर वही बात, भगवान ने तपश्चर्या किया। अरे तपश्चर्या तो अधूरी पावर वाला करता है। अरे भाई भगवान को सोचना पड़ा ना, जो अंदर हो बाहर आ जाओ ये सोचा है। तो जिनको कोई आवश्यकता नहीं उन्होंने सोचा ना, हाँ एक कष्ट हुआ हमारे लिए, उन्होंने सोचा। अरे हमारे संसार में अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पर फावड़ा हाथ में ले ले तो सारे अखबारों में छप जाएगी खबर, वो श्रमदान कर रहे थे। हाथ में फावड़ा ले लिया और श्रमदान कर रहे, 8 घंटे किया कि 12 घंटे। अरे तो बड़े आदमी है, झाड़ू हाथ में ले लिया और देखो तो इतने बड़े आदमी झाड़ू लगा रहे हैं। अरे और तो और अगर कोई बड़ा आदमी हमारे देश में भी आजकल देखो ऐसे लोग हैं, वो गरीबों के घर में झोपड़े में जा करके रात को और कहते हैं भाई खाना बनाओ, हम तुम्हारा बनाया हुआ खाएंगे, और सोते हैं खाते हैं और खबरें छपती हैं रोज। अब उनका एम चाहे जो हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। एक बेचारा गरीब जिंदगी भर फावड़ा कर रहा है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। तो भगवान ने कामना की ये तपश्चर्या,